नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2022 के टायर वन का रिजल्ट आ गया है। जो बिल्कुल सही सुना आपने, अभी से कुछ देर पहले 19 मई जो आज का डेट है, आज ही के डेट में आपको एसएससी की तरफ से एक और नोटिस दिया गया है। और उसमें यह बताया गया है मेरे प्यारे बालकों कि यार एसएससी सीएचएसएल 2022 का टीयर वन का रिजल्ट आ गया। चलिए आइए थोड़ा सा नजर लगाते हैं, मतलब नजर डालते हैं, लगाते नहीं है मेरे दोस्त, नजर डालते हैं कि क्या गड़बड़ गया है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे अब अनरिजर्व का यहाँ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है 30%, 25 या 20%, इसका कोई मतलब नहीं है। मेन बात है मेन बात यहाँ पे ये आती है कि किस कैंडिडेट का, मतलब कौन से कैटेगरी का कितना कटअप गया है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारे अनरिजर्व भाइयों का कटअप जो है 157 गया, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। जी हाँ, आप देख सकते हो 157 लेके चले जाना छोटा मोटा थोड़ी है भाई। एससी की बात करें तो भाई साहब 135 नंबर गया। अगर मैं बात करूं एसटी की तो 125 नंबर गया। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के कट ऑफ के बारे में अगर ध्यान से देखेंगे हम तो 153 गया। और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस 151 गया। यानी आजकल जो ओबीसी वाले हैं वो ईडब्ल्यूएस से भी नीचे आ रहे हैं, मतलब जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व में जो हमारे जिन्होंने ईडब्ल्यूएस बनाया उनको अच्छा खासा फायदा देखने को मिल रहा है। ओके, मेरे को लग रहा है कि बहुत जल्द जो है वो अभी पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों एकदम स्लैश करके एक में आएंगे कि भाई दोनों का कट ऑफ एक हो गया, इस सबको ओबीसी का बराबर मान लेगा। अगर हम बात करें ईएसएम के बारे में यानी एक्स सर्विस मैन के बारे में तो 97.98679 कट ऑफ गया। और अगर हम बात करें ओएच के बारे में तो 122, एचएच 86, वीएच 138, पीडब्ल्यूडी अदर्स का 83 गया। अगर हम बात करें कैंडिडेट्स के बारे में तो हमारे पास जो टोटल कैंडिडेट हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो 40,224 कैंडिडेट हमारे पास आए हैं। और यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि हमारे पास इन एडिशनल टू अनरिजर्व कैंडिडेट मेंटेन अबव 846 एससी, 172 एसटी एंड 8687 ओबीसी एंड 4149 ईडब्ल्यूएस एंड 7 ईएसएम एंड 1 एचएच, 107 वीएच एंड 2 हो जाएगा पीएचडी एंड अदर्स। कहने का साफ मतलब यह है कि हमारे जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कटअप गया यानी 157 और 157 के कैटेगरी तक में, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से एवं नंबर लाने वाले 846 बालक एससी से हैं और 172 बालक एससी एसटी से हैं, 8687 ओबीसी से हैं, भाई साहब 4179 ईडब्ल्यू से हैं, 7 बालक ईएसएम में आते हैं, 50 जो हैं वो हमारे ओएस से आते हैं, 1 एचएस से, 107 बच्चे वीएस से आते हैं और 2 बच्चे पीडब्ल्यूडी से आते हैं जिनका मार्क जो है वो 157 से एवब है। वैसे कैटेगरी वाइज जो कटअप गया है वो काफी एवब चला गया। वैसे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 150 तक कटअप जाएगा, 150 के नीचे ही रहेगा, लेकिन 157 जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। कोई बात नहीं, हम लोग लगातार बने रहेंगे, अपनी तैयारी को करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पर रहें, खूब पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।